जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जी, बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर बच्चे आपका 4 एक्सरसाइज आपके 4.4 है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 2 है, x की पावर 4 आपके सामने दी गई है जमा 3x का मुरब्बा जमा x जमा 1 बटा x जमा 1 * x का स्क्वायर जमा और का स्क्वायर है तो इसको बच्चों फर्ज करेंगे a बटा x जमा 1 dx जमा c बटा x का स्क्वायर जमा 1 और प्लस dx जमा का e बटा x का स्क्वायर जमा और का स्क्वायर से बच्चों लिखा जाएगा बटे में तो वो सब आते हैं कि खैर को बच्चों ये असल रकम के बटे में जो रकम आपके होते हैं इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले में सब आपके हर रकम से तो बच्चों लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स जमा एक इससे कट जाएगा ये मुरब्बे वाली रकम आपकी मुरब्बे से कट जाएगी बाकी आपके पास बच जाएगा एक्स की पावर 4 और 3x का मुरब्बा जमा का एक्स और जमा का बच्चों आपके पास है 1 और एक्स जमा एक आपका एक्स जमा एक से कट गया तो बाकी आपके पास रह जाएगा ए इंटू एक्स का स्क्वायर जमा एक होल का स्क्वायर प्लस है तो बच्चों ये एक दफा लिखेंगे आपका मुरब्बा एक ऐसी रकम है तो ये वाला बच्चों आपके मुरब्बे से कैंसिल हो जाएगी बाकी आपके पास बच जाएगा बी एक्स जमा का सी इंटू एक्स जमा का एक इंटू बच्चों एक्स का स्क्वायर जमा का एक है तो बच्चों मुरब्बे वाली रकम आपकी मुरब्बे वाली रकम से कैंसिल हो जाएगी तो बाकी आपके पास बच जाएगा डी एक्स जमा का ई इंटू एक्स जमा का एक ये बच्चों आपके पास बच जाएगा। लेफ्ट साइड वाली बच्चों आप एक दफा लिख लें आपने वैसे बच्चों बार बार लिखनी है मैं यहाँ पे एक दफा लिखूंगा 3x का मुरब्बा जमा का एक्स और जमा का एक तो ये वाला बच्चों पहले मुरब्बा खोलेंगे तो ये बच्चों आपका बच जाएगा पहली रकम का मुरब्बा प्लस दूसरी रकम का मुरब्बा एक जमा के दो इंटू पहली रकम एक्स का स्क्वायर इंटू बच्चों आपके आ जाएगी दूसरी रकम तो अब बच्चों आगे नेक्स्ट आपके पास है बी एक्स जमा का सी तीन रकमें यहाँ पर है तो इन रकमों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स एक्स के मुरब्बे से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का मुकाम आ जाएगा अब एक्स एक से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ जाएगा एक बच्चों एक्स के मुरब्बे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स का मुरब्बा और एक एक से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों आपका एक आ जाएगा और आगे प्लस से डी एक्स बच्चों एक्स से सर्व दे देंगे तो डी एक्स का मुरब्बा बन जाएगा डी एक्स जब एक से सर्व खाएगा तो आपका आ जाएगा डी एक्स इस तरह ई को एक्स से सर्व दे दे मल्टीप्लाई कर दे तो बच्चों आपका ई एक्स और ई जब एक से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों आपका आ जाएगा ई आ जाएगा तो इस तरह बच्चों आपके पास ए है तो ये बच्चों जब मुरब्बा खोला जाए तो एक्स की पावर 4 जमा का एक और जमा के आपके आ जाएंगे 2x का मुरब्बा बच्चों आपके पास ये आपके पास आगे बच्चों आपके पास है बी एक्स वाली रकम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बच्चों बन जाएगा बी एक्स का पावर 4 हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई अगर बी एक्स एक्स से सर्व खाएगा तो ये आपका बन जाएगा बी एक्स का मुरब्बा अब बी एक्स एक्स के मुरब्बे से सर्व खाएगा तो ये बन जाएगा बी एक्स का मकाम अब बी एक्स जब बच्चों एक से सर्व खाएगा तो ये आपका बन जाएगा बी एक्स अब सी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा सी एक्स का मकाम जमा का बच्चों आपको बन जाएगा सी एक्स और सी एक्स के मुरब्बे से सर्व खाएगा तो सी एक्स का मुरब्बा और सी बच्चों जब एक से सर्व खाएगा तो आपका सी आ जाएगा आगे आपके पास है डी एक्स का मुरब्बा जमा का डी एक्स और जमा का बच्चों आपके पास है ई एक्स और जमा का है ई ए को बच्चों मल्टीप्लाई कर दें तो ए एक्स की पावर आपके पास 4 हो जाएगी ये आपका ए आ जाएगा और आगे आपका बन जाएगा 2 ए एक्स का मुरब्बा प्लस बी एक्स की पावर है 4 जमा है बी एक्स का मुरब्बा और जमा बच्चों आपके पास है बी एक्स का मुकाब जमा का बी एक्स जमा सी एक्स का मुकाब जमा का है सी एक्स और जमा सी एक्स का मुरब्बा जमा का सी जमा का बच्चों आपके पास डी एक्स का मुरब्बा जमा के डी एक्स और जमा के ई एक्स और जमा का बच्चों आपके पास है ई अब बच्चे लेफ्ट साइड पे देखें तो एक तरतीब लिखी हुई है इसको भी बच्चे हम एक तरतीब से लिख लेंगे यानी तरतीब नज़ूली से लिख लेंगे ए एक्स की पावर आपके पास 4 है ये वाली बच्चों आपके पास है बी एक्स की पावर 4 पहले पावर 4 वाले लिख लेंगे इसके बाद बच्चों आपने मुकाम वाले रकम लिख लेनी है मुकाम वाले आपके बी एक्स का मुकाम है और सी एक्स का मुकाम है ये वाली हम रकम लिख लेंगे बी एक्स का मुकाम जमा के सी एक्स का मुकाम इसके बाद बच्चे मुरब्बे वाले रकम आपके आ जाएंगे ये दो ही रकमें थी मुकाम वाली मुरब्बे वाली रकम आपके पास बच्चे 2 एक्स का मुरब्बा ये वाली रकम आपके पास है जमा है बी एक्स का मुरब्बा और जमा बच्चों आपके पास है सी एक्स का मुरब्बा और आगे बच्चों आपके पास है जमा डी एक्स का मुरब्बा इसके बाद बच्चों एक्स वाली रकम आप देख लेते हैं कौन कौन सी है ये आपके पास बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रही है बी एक्स है जमा का आपके पास सी एक्स है इस तरह जमा का बच्चों आपके पास डी एक्स है और जमा का बच्चों आपके पास है ई एक्स है और इसके बाद वो रकम है जिनके साथ तीसरा बच्चों आपका वेरिएबल नहीं है वो आपके पास ए है सी
और आपके पास है ये है। इस तरह बच्चों अगर देखें तो x की पावर आपके पास 4 थी, x की पावर 3 वाली रकम नहीं है तो हम लगा वाले तो उसके जीरो लगा देंगे और आगे आपके पास है 3x का मुरब्बा है जमा का x और जमा का बच्चों आपके पास है। तो इस तरह का बच्चे देखें तो आपके पास x की पावर 4 कॉमन निकल सकती है, ये x की पावर 4 कॉमन आ गई। और इस तरह बच्चों बच्चों आपके पास b जमा का c है, ये आपका कॉमन आ गया x का मुकाब। और अगले रकम में बच्चे देखिए तो आपके पास है 2a जमा का b जमा का c जमा का d और इसमें बच्चों आपके पास कॉमन आ जाएगा x का स्क्वायर और यह से यह तक बच्चों आपका कॉमन आ जाएगा x, तो बाकी आपके पास बच गया b जमा का c जमा का d और जमा का e कॉमन आपके पास आ गया x और बाकी बच्चों आपके पास है a है प्लस c है और प्लस आपके पास है। तो इस तरह वाले बच्चे भी आप अपने साथ लिख लें, ये आपके पास है 0x का मुकाब जमा के 3x का मुकाब जमा का x और जमा का बच्चों आपके पास है 1। तो आप बच्चों तरतीब से आपने इनकी तो आपको जो होते हैं वो अधिसरों को मुआजना करना है। पहले हम x की पावर 4 के अधिसरों को मुआजना कर लेंगे, x की पावर 4 के अधिसरों का मुआजना करने से तो लेफ्ट साइड बच्चों आपके पास है x की पावर 4 और राइट साइड में बच्चों आपके पास है a प्लस b और इस तरफ बच्चों आपके पास है x की पावर 4। x की पावर 4 से हम दोनों तरफ इसे कर दें डिवाइड तो बच्चों आपका कट जाएगा, इस तरह आपके पास आ जाएगा a प्लस b बच्चों आपके पास बराबर आ जाएगा 1 के। इसको बच्चों हम नाम देंगे अगर गुस्सा बात इसको हमने 1 नाम देना है और इसको बच्चों हम नाम देंगे 2। ये बच्चों कट जाएगा x पावर 4 a जमा का b बराबर आपके पास आ जाएगा 1 के। अब बच्चों हम बराबर अधिक कर लेंगे x के मुकाम के अधिसरों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे x के मुकाम के अधिसरों को बराबर करने से और x के मुकाम लेफ्ट साइड बच्चों आपके पास है 0, x का मुकाम जबकि राइट साइड पे आपके पास है b प्लस का c इंटू x का मुकाम तो x के मुकाम पर दोनों तरफ तो इसको कर देंगे हम तकसीम तो ये बच्चों आपकी रकम कट जाएगी। तो इस तरह बी प्लस बी बच्चों आपके बराबर आ जाएगा 0 के, b प्लस c बराबर 0 के। इसको बच्चों हम अगला नाम देंगे वो सवाल नंबर 3 नाम दे देंगे। अब बच्चों हम अधिसरों को बराबर करते हैं x के मुरब्बे के अधिसरों को बराबर कर लेते हैं और लेफ्ट साइड में बच्चों आपके पास है 3x का मुरब्बा जबकि राइट साइड में बच्चों आपके पास है 2a जमा b जमा का c और जमा के है d इंटू x का मुरब्बा, x के मुरब्बे को दोनों तरफ कर दे तकसीम तो बच्चों ये आपके कट जाएंगे और आपके पास आ जाएगा जो 2a जमा का b जमा का c जमा का d और ये बच्चों बराबर आपके पास आ जाएगा 3 के। इसको हम अगला नाम दे देंगे नंबर 4 का। जी बच्चों अब हम जो होते हैं वो x के सिर्फ अधिसरों को बराबर कर लेते हैं, x के अधिसरों को इस पर बच्चों आपके पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ x है जबकि राइट साइड में बच्चों आपके पास है b जमा का c जमा का d और जमा का e e है इनटू x बटा x कर देंगे और इस तरह भी बटा x कर देंगे बच्चों आपका कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा b जमा का c जमा का d और जमा का ये बच्चों बराबर आपके पास आ जाएगा 1 के और इसको हम अगला नाम देंगे नंबर 5 के, ये आपका कट जाएगा। अब बच्चे इसके बाद आपके रह जाते मुश्किल मिकदार आपके पास है मुश्किल मिकदार के अधिसरों को बराबर करने से तो इस तरह बच्चों आपके पास है 1 और उस तरफ आपके पास a है प्लस c प्लस का e तो इस तरफ बच्चों आपका a प्लस का c और प्लस का e ये बच्चों बराबर आपके पास 1 के और इसको हम अगला नाम देंगे नंबर 6 नाम दे देंगे। अब बच्चों हमने कीमत निकाल लेनी है, पहले a की कीमत निकालेंगे मुसावात a में a से आपने बच्चों निकालनी है यहाँ से बच्चों आपने कीमत निकालनी है x जमा 1 बराबर आपका 0 आ जाएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस 1 के। तो ये बच्चों आप लिख भी दे रहे हैं कि मुसावात 1 में x बराबर माइनस 1 रखने से या माइनस 1 दर्ज करने से दोनों सूरतों में आपका बच्चों ठीक हो जाएगा। ये पे आपका माइनस के की पावर 4 जमा का 3 इंटू माइनस 1 का मुरब्बा और x की जगह पे माइनस का 1 आगे बच्चों आपका जमा का 1 बराबर a इंटू माइनस 1 का मुरब्बा जमा का आगे आपके पास 1 है और इसका आगे बच्चों होल का स्क्वायर भी है जमा b
इनटू माइनस का एक, यहाँ पे आपका माइनस का एक आ जाएगा और आगे जमा के सी है, इनटू एक्स की जगह पर माइनस का एक और जमा का एक और आगे बच्चों आपके पास है माइनस, ये एक्स का मरबा है तो माइनस एक का मरबा यहाँ पे आ जाएगा और जमा का बच्चों आपका एक। आगे आपके पास है डी इंटू माइनस का एक जमा का ई है और इसको बच्चों मैंने मल्टीप्लाई करना है, आगे एक्स में जमा एक लिखा हुआ एक्स की जगह माइनस का एक और ये आपका आ जाएगा जमा का एक। तो बच्चों एक की पावर माइनस एक की पावर चार है तो आपका एक ही आता है। आगे यहाँ पे बच्चों आपके यहाँ जमा के तीन है तो एक का मरबा बच्चों आपका एक ही आ जाएगा, ये आपके कट जाएंगे। और आगे बच्चों आपका आगे ए इंटू ए का मरबा बच्चों एक ही आ जाएगा तो ये आगे जमा का एक है तो इसका बन जाएगा उनका स्क्वायर। और आगे बच्चों आपका माइनस का बी जमा का सी ये वाले बच्चों कट जाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जीरो, एक रकम जीरो बन जाएगी, ये आपका जमा का एक और ये भी आगे बन जाएगा जमा का एक। तो इसके बाद बच्चों आगे है माइनस का डी जमा का है बच्चों आपके पास ई और ये वाले जमा माइनस कैंसिल हो जाएगी हमें आपका आ जाएगा जीरो। तो इस तरह बच्चों ये जीरो होने की वजह से सारी रकम आपकी जीरो हो जाएगी और ये वाली सारी रकम भी आपकी जीरो हो जाएगी। तो ये बच्चों आपका एक जमा के तीन बराबर बच्चों आपका आ जाएगा ए इंटू दो और ये आपका बन जाएगा दो का मरबा। तो इस तरह बच्चों दो का मरबा चार तो ये बराबर आ जाएगा चार बटा चार कर देंगे बटा चार तो चार चार से बच्चों कैंसिल हो जाएगा। इस तरह एक ही कीमत बच्चों आपके निकल आती है एक, ये वाली कीमत बच्चों आपने दर्ज करती जानी है गिनती पूछा बातों में तो आसानी से बच्चों आपका जवाब निकल आएगा। तो यहाँ पे एक ही कीमत निकल आई है तो मुसावात हम लिखेंगे मुसावात दो में एक ही कीमत दर्ज करने से तो बच्चों आपके लिखे ए जमा बी, एक की जगह पे हम लिख देंगे एक जमा का बी और बराबर आपके पास एक के, तो एक बच्चों दूसरी तरफ चला जाएगा माइनस का एक हो जाएगा, इस तरह बी की कीमत आपकी निकल आएगी जीरो। ए की कीमत बच्चों निकल आई है, बी की कीमत भी निकल आई है, आप बी की कीमत बच्चों हम दर्ज कर देंगे मुसावात तीन में बी की कीमत मुसावात तीन में दर्ज करने से तो बच्चों आपके लिखा है बी जमा का सी और बी की कीमत आपकी जीरो है बी जमा सी बराबर और यह तो बच्चों आपके जीरो है तो इस तरह सी की कीमत भी आपकी जीरो निकल आती है। तो बच्चों ए की कीमत भी आ गई, बी की कीमत भी आ गई, सी की कीमत भी आ गई, अब हमने निकालनी है डी की कीमत। तो इसके लिए मुसावात दर्ज कीमत दर्ज कर दर्ज कर देंगे कीमत बच्चों इसमें मुसावात आपकी तीन में मुसावात ये आपके बच्चों मुसावात चार में ए बी और सी की कीमत दर्ज करने से बल्कि कीमतें दर्ज करने से बच्चों लिखे और ये आपके पास है दो ए तो आपका आ जाएगा दो इंटू ए। आगे बच्चों आपके जमा का बी, बी की कीमत है आपकी जीरो, आगे जमा का आपके सी लिखा है सी की कीमत भी आपकी जीरो, आगे लिखा है जमा का डी और बराबर है तीन के तो ये बच्चों आपके हैं दो, एक की जगह कीमत आपके एक प्लस का आपके बच्चों आगे जीरो आ जाएगा प्लस का डी बराबर तीन के तो ये दो को ले जाए दूसरी तरफ उस तरफ आपको जाकर दोगे माइनस के तो इस तरह बच्चों डी की कीमत आपके आ जाएगी वन के। जी बच्चों अब आपके पास ई की कीमत रहेगी उसके लिए ये मुसावा ज्यादा आसान है इसमें दर्ज कर दें तो ये बच्चों आपने लिखना भी है मुसावात छ में ए और सी की कीमतें दर्ज करने से तो ए की कीमत बच्चों आपके पास एक है प्लस सी की कीमत आपके पास जीरो है और प्लस ई की कीमत आपने बच्चों मालूम करनी है तो इस तरह आपका आगे एक जमा का ई बराबर एक के एक को बच्चे ले जाए दूसरी तरफ वहां पे आपका माइनस हो जाएगा इस तरह बच्चों ई की कीमत भी आपके आ जाएगी जीरो। तो ये वाली सारी कीमतें बच्चों आपने दर्ज कर देनी है मुसावात ए में दर्ज कर देनी है और ये बच्चों आपने लिखना भी साथ है कि मुसावात ए में ए बी सी डी और ई की कीमतें दर्ज करने से तो इस तरह बच्चों आपके पास है एक्स की पावर चार जमा तीन एक्स का मरबा
आगे बी एक्स लिखा तो बी की कीमत बच्चों आपके निकले जीरो, तो ये आपका आ जाएगा जीरो इंटू जीरो एक्स जमा सी बटा एक्स का स्क्वायर जमा का एक, और सी की कीमत बच्चों आपके पास वो भी जीरो थी तो ये भी आपका आ जाएगा जीरो। आगे प्लस के अलावा डी की कीमत, ये तो डी की कीमत बच्चों आपकी एक है तो ये आपका आ जाएगी एक एक्स, और जमा ई की कीमत, ए की कीमत बच्चों आपके निकले जीरो, तो जीरो बटा एक्स का स्क्वायर जमा एक होल का स्क्वायर है एक बटा एक्स जमा का एक। ये तो बच्चों जीरो शुमार पता जीरो, तो ये सारे रकम आपकी सिफर ही हो जाते हैं, ये भी आपका सिफर है, तो सिर्फ आपके पास बच्चों रह जाएगा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर जमा एक ये आपका होल का स्क्वायर। तो इस तरह बच्चों सारे मुसावात का आंसर जो निकलता है वो एक बटा एक्स जमा का एक और प्लस एक्स बटा एक्स जमा एक्स एक्स का स्क्वायर जमा एक होल का बच्चों मुरब्बा है। ये बच्चों इसकी जुज़वी का सवाल निकलता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।